नमस्कार और आदाब सनीचर हैं। अगस्त के 29 तारीख नेखनन 20 अगस्त के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। इतवार अगस्त के 23 तारीख से गवर्नमेंट टैक्स जो है बढ़ाया गया है। सरकार ये फैसला किए है तेल के दाम जो है ये उठाने के लिए। इस पर गवर्नमेंट टैक्स जो है ये NSFDA से ऊंचा हुआ है बेंजीन के वास्ते। पिछले हफ्ता बुध को ये फैसला लिया गया था लेकिन एम वक्त पर रोक दिया गया था, जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतवार के रात में 12 बजे से जब लॉकडाउन था तब ये दाम जो है बढ़ाया गया है। ये लॉकडाउन के समय हुआ है। फेहापे का पार्लियामेंटारियन जो है आशीष कुमार गयादीन का ये कहना है कि इससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोग हमस्तर नहीं कर पाए, मतलब जेरी कैंस में भरकर घर पर लोग नहीं रख पाए हैं, जमा नहीं कर पाए हैं, और जो लंबा लाइन लगते थे पोंस्ता शॉन के पास लंग रैन जो है ये भी नहीं हुआ है। इसमें अफसोस सिर्फ ये बात का है कि जनता पूरी तौर से इसके लिए तैयार नहीं था। वैसे बेशतर ये कहा गया था लेकिन तो भी जनता इसके लिए तैयार नहीं था। वैसे हम आपको ये बता दें कि आशीष कुमार गयादीन कहते हैं कि सरकार के लिए कोई और चारा नहीं था, इसलिए यह गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाया गया है। अगर सूरीनाम देश का फिनेंशियल इकोनॉमी से हालात जो है देखा जाए, सूरीनाम देश की आर्थिक स्थिति को देखकर ये गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है सरकार के तरफ से। जुलाई की 11 तारीख अफबा का वेख पर एक जबरदस्त हादसा हुआ है जिसमें सुनीता रामावतार सिंह और इनकी बेटी जैन रामावतार सिंह इन दोनों का देहांत हुआ था। अब तक के पुलिस के बयान से ये पता था, पुलिस खोजबीन के बाद ये बताए थे कि ये गाड़ी जिसमें सुनीता रामावतार सिंह और जैन रामावतार सिंह मौजूद था, इसका हाँकने वाली सुनीता रामावतार सिंह खुद थे। खोजबीन बाद में जब किया गया है तो ये पता चला है कि 29 साल का पीबी ये मेड इन सितंदर नहीं था, मतलब ये है कि गाड़ी ये हाँक रहा था, यह आदमी जो है 29 साल का पीबी गाड़ी हाँक रहा था। खोजबीन के बाद पुलिस इसको गिरफ्तार किए हैं और बाकी आगे जब खोजबीन हुआ है तो ये पता चला है कि इनको भी हक नहीं था, इजाज़त नहीं था यातायात फिरकेर में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि फरवरी महीना से इनके पास रैबवेस नहीं था। क्वाता का पुलिस जो है इनका रैबवेस ले लिया था। बगैर रैबवेस के साथ इन्होंने फरकेर में यातायात में हिस्सा लिए है और OM से बातचीत करने के बाद पीबी को गिरफ्तार किया गया है। ऑन द नेमर श्यामदत्त रघुबीर का जो कत्ल हुआ अगस्त के 11 तारीख को इनके मकान इनके बदरेफ के सामने डॉक्टर शबीरत मोन्स्तरात में, इस मामला में इस समस्या में इनके बीवी इनके पत्नी जो है ऑन द नेमर श्याम कुमार श्यामदत्त रघुबीर के बीवी जो है और एक मजदूर दोनों गिरफ्तार हुए हैं। खोजबीन से पता चला है कि ये स्त्री इनके पत्नी जो है ये चोरी किए हैं काफ़ी पैसा फ्रेम द फलूता में और भी कुछ गहने और अपराध्योर चोरी किए हैं और ये मजदूर ये आरबेदर जो है वो इनके साथ दिए है। ये हम आपको बता दें कि हो सकता है मुमकिन है कि इनके कत्ल के बाद इनके देहांत के बाद रघुबीर के देहांत के बाद ये चोरी हुआ है। इस मामले में पुलिस आगे खोजबीन कर रहा है। सूरीनाम देश का मशहूर बैठक गाना गायक उस्ताद राम प्रसाद रामखेलावन का देहांत इस हफ्ता में हुआ है। सोमवार अगस्त के 24 तारीख को यह खबर आई है कि ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए हैं। रामखेलावन जो है 86 साल के हुए ससन तख्त यार के हुए हैं। रामखेलावन काफ़ी नाम कमाए हैं बैठक गाना के क्षेत्र पर, बैठक गाना की दुनिया में, न सिर्फ सूरीनाम देश में और भी विदेश में। रामखेलावन के देहांत हो जाने से एक लेजेंड सूरीनाम देश का एक लेजेंड चला गया है जो बैठक गाना में बहुत मशहूर था, साज और संगीत के दुनिया में काफ़ी मशहूर था। मशहूर गायक क्रिस रामखेलावन का पिता था ये राम प्रसाद रामखेलावन जी। मंगर को स्टार्स एयर के साथ यानी सरकारी इज्जत के साथ इनका दाह क्रिया हुआ है। इनके दाह क्रिया के समय अंतिम विदा लेने के लिए अनेक टॉपर्स मौजूद थे जिसमें प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इस वीकेंड में फिर से टोटल लॉकडाउन है सूरीनाम देश में। आपको पता है ये टोटल लॉकडाउन कल सुबह के रात 8 बजे से शुरू हुआ है और रहेगा कल इतवार के सुबह 5 बजे तक।
ये फैसला सरकार भी लिए है, सभी जो ब्रोखन है सुरीनाम देश में, सुरीनाम रिफियर के जो सुरीना वेदनबोस पुल है, वेदनबोस ब्रुख है, कोपनाम ब्रुख और भी कुसवैन ब्रुख जो है, ये तमाम जो ब्रोखन है सुरीनाम देश का, ये यातायात फरकीर के लिए बंद किया जाएगा। सिर्फ एसेंशियल दिन्स तक, जिन लोगों को ज़रूरी है नौकरी पर जाने के लिए इत्यादि, जो लोग सड़क पर आ सकते हैं और उन लोगों को इजाज़त है सरकार की तरफ से, सिर्फ ये सब, ये पुल, ये ब्रुखन जो है पार कर सकते हैं। ये फैसला सरकार इसलिए लिए है क्योंकि ये पता चला कि पिछले वीकेंड लॉकडाउन के समय बहुत से लोग जो है ये सब, ये पुल, ये ब्रोखन जो है पार किए हैं। पिछले हफ्ता आफन क्लॉक के समय, पिछले हफ्ता लॉकडाउन के समय और भी आफन क्लॉक के समय पुलिस काफ़ी लोगों को गिरफ्तार की है, जो लोग लॉकडाउन के रेहल्स जो है, नियम जो है, इस पर गौर नहीं किए हैं, इसको पार किए हैं, नियम ये सब तोड़े हैं। इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार किए हैं और ले जाकर पुलिस अप्लाइडिंग सेंटर वहां पर रखा गया था और सोमवार को सुबह 5 बजे इन लोगों को इजाज़त था फिर घर जाने के लिए। होफ्त इंस्पेक्टर हम्फ्री नारदन ये बताते हैं, सवाल करने पर क्यों बूथस नहीं भरा जाता है इन लोगों के ज़रिए, जो लोग रेहल्स पर गौर नहीं करते हैं। ये बताए हैं कि ये वैक जो है, ये कानून जो है, अभी इसमें कुछ खामियां हैं और इसलिए जो लोग ओवर ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग गुनहगार होते हैं, इन लोगों को जुर्माना लोग नहीं भरवा सकते, इन लोगों से बूथ लोग वसूल नहीं कर पाते हैं। तो ये लॉकडाउन के समय जो हुआ है, हम अफसोस के बात ये भी आपको बता दें कि इस वक्त सुरीनाम देश में कोविड 2 दिन आंतल जो है ससन सस्त पर आकर पहुंच गई है। बीफे को ये खबर आई है कि 4 लोगों का देहांत हुआ है ये कोरोना वायरस से। पेचाया लुहूर पीएल का लेस ट्रैकर इलाका वानिका में जो था नसीर एसका, बीफे से ये नया डायरेक्टर है बेनलॉन्स साकन का। मिनिस्टेरी फॉर बेनलॉन्स साकन पर पुत्री देवी अमत सुमार्तो की जगह पर अब नसीर एसका जो है, जो बागडोर संभालने वाले है। नया डायरेक्टर खास तौर से कहे हैं कि पर्सोनल्स बलैत पर वो गौर करने वाले हैं। इसके अलावा सीवीवी के दिन्स पर लेने और भी बेहिया ब्यूरो जेंडर आनखलीखन हेदन और नस्ल चुनाव आर्खीव सुरीनाम के पर खास गौर किया जाएगा। एक ब्रॉमफिट्सर शेखर दासा सिंह 20 साल का, ये इनका देहांत हुआ है एक हादसा से बुध के शाम को। ये हादसा जो हुआ है एक पिकअप के साथ क्रॉसिंग इंदिरा गांधी वेग और नॉर्थ पोल वेग पर, ये पिकअप जो है ये एक मोड़ लिए है दाएं तरफ, बाएं तरफ मोड़ लिए, लिंक से बॉक्स ये बनाए है और वो गौर नहीं कि यह है रख दौर खान फरकीर पर, मतलब ये ब्रॉमफिट्सर से जाकर टकराया है। अफसोस की बात यह है कि बहुत ही बुरी तरह घायल हुए थे यह ब्रॉमफिट्सर, इनके सर पर काफ़ी चोट आई है और इसके वजह से वहीं पर इनका देहांत हो गया है। ये ओंदरसुख जो है छानबीन इस मामले में जारी है। ऑप्टिक्सी के वास्ते लाश कब्जे में लिया गया है ब्रॉमफिट्सर का और ये पिकअप बस्तियोंदर जो है एसपी इनका गाड़ी है और जो बस्तियोंदर या ब्रॉमफिट्स जो है एसपी का गाड़ी और ब्रॉमफिट्स जो है दोनों हेयर क्योरिंग के वास्ते कब्जे में लिया गया है। अभी तक नहीं पता है ये आदमी के पास एक ख्याल रख रहे व्यवस्था था या नहीं। शर्मा लक्की सरन ये फोर्शितर है वर्क ग्रुप का, जो कापेएस में खोजबीन करने वाले है। कापेएस में खोजबीन किया जाएगा वहाँ पर क्या क्या गलत हुआ है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, फिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग के मौजूदगी में और मिनिस्टर कैनत अमोक्सी जो यूस्टिसी एंड पुलिसी का मिनिस्टर है, इनके मौजूदगी में एक वर्क ग्रुप इंस्टॉलियर किए है, एक वर्क ग्रुप ठहराया गया है। कम्युनिकेशन दिन सुरीनाम ये बताए हैं कि डायरेक्टर जो है यूस्टिसी एंड पॉलिसी का मरियान शेनाफत, इनको नौकरी से, इनके पदवी से हटाया गया है और इनके जगह पर सुनाई दिया है या कहा गया है कि लक्की सरन नया डायरेक्टर बनेगा यूस्टिसी का। लक्की सरन इससे पहले 2005 से लेकर 2010 तक पेशतर भी डायरेक्टर था यूस्टिसी एंड पॉलिसी के मिनिस्टेरी पर। अब फिर इस जगह पर वो बैठक लेने वाले है, बागडोर संभालने वाले है। साथ में लक्की सरन भी फोर्सदरे कॉमेसी तुत सिंह रेक्स पोसिचुनेला आनखलीखन हेदन का।
काफी चर्चा हो रहा है एरफी सी रात फन कॉमिसारसन में अनेक बदरई फन का जो लोग बैठाया जाता है। जैसे आपको पता है तो इस वक्त काफी चर्चा हो रहा है फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी और लियो ब्रंसवेग जो वाइस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसवेग के भाई है इन दोनों के बारे में। सत्यतन जो है स्टार्स ओली और एबीएस का है इसमें कहा गया है कि एरफीसी में जो लोग बैठक लेंगे इन लोगों को सुरिनाम से नेशनलिटी होना चाहिए, ये सब सुरिनाम देश के नागरिक होना चाहिए। कोचबीन से यह पता चला है कि लियो ब्रंसवेग जो आबोब की तरफ से बैठक लेते हैं एरफीसी में, इनका बनुमिंग प्रेसिडेंट संतोखी की तरफ के जरिए हो चुका है। इनके पास हॉलैंड का नेशनलिटी थे, नीदरलैंड से नेशनलिटी थे। ब्रंसवेग ये इकरार भी किए हैं, इनका ये कहना था पेशतर कि नीदरलैंड से नेशनलिटी इनको है लेकिन ये कोई रुकावट नहीं डाल सकती है इनके एरफीसी लित बनने में, क्योंकि कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि सुरिनाम से नेशनलिटी ज़रूरी है। लेकिन अब ये पता चला है कि स्टैट्यूटन में एरफीसी के स्टैट्यूटन में लिखा है कि एक नीदरलैंडर या एक बाउटलैंडर एक विदेशी शख्स जो इनके पास सुरिनाम देश का नेशनलिटी नहीं है, सुरिनाम देश के नागरिक नहीं है, ये एरफीसी का लिट नहीं बन सकते हैं। वैसे आपको पता है कि ब्रंसवेग लियो ब्रंसवेग और फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी जो है दोनों स्टार्स ओली के एरफीसी में बैठक लेते एक प्रेसिडेंट कॉमिसार से और एक लिट है। ये 21 अगस्त को एक आलमीन आंदेलहाउदर्शफिरखादरिंग में हुआ है। वैसे अब यह भी बात बाहर आई है कि ना सिर्फ लियो ब्रंसवेग और मेलिसा संतोखी लेकिन रायन नन्नन जो भी बैठक लेते हैं एरफीसी में स्टार्स ओली का, इनको भी इजाज़त नहीं है इसमें बैठक लेने के लिए, क्योंकि स्टैट्यूटन के मुताबिक अगर एरफीसी लित आप बनना चाहते हैं स्टार्स ओली का तो आपका उम्र कम से कम 45 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होना चाहिए। मतलब यह है उम्र 45 और 70 साल के बीच होना चाहिए और फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी और रायन नन्नन दोनों का उम्र अभी 39 साल 99 दिन का है। सनरिता गोवर्धन तीसरी स्त्री है जो देश से बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिसारस बने हैं इलाका निकेरी का। बुध को तीसरा स्त्री जो है देश से बने हैं इलाका निकेरी में, इलाका निकेरी में इनको लोग स्वागत किए हैं। सनरिता गोवर्धन निशा कुर्बान बाबू के जगह आए हैं, अब ये वहाँ पर निकेरी में बागडोर संभालने वाले हैं। पहला स्त्री जो देसी बने थे इलाका निकेरी में रोलिना शमसुद्दीन था और उसके बाद कुर्बान बाबू आए हैं, अब गोवर्धन के बारी है। ये ओंदरवेस फेल्ट का है, पहले एंगल्स डोसेंट था, अनेक मिलूस होलन पर इन्होंने बच्चों को पढ़ाए है। ओवरद्राफ पर देसी नया देसी गोवर्धन ने कहा है कि अपने स्टाफ के साथ वो बातचीत करेगा और तब वो देखेगा कि प्रायोरिटी क्या है, कौन से काम सबसे पहले करना चाहिए और फैसला किया जाएगा कैसे काम होगा। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है एक प्रेसिडेंशियल बसलौत के जरिए तय किए हैं कि जो कैबिनेट 2.5% का कैबिनेट के अमतनारन को मिलता था ये रोक देने के लिए। अब मतलब ये है कि कैबिनेट प्रेसिडेंट पर जितने लोग काम करते हैं और जिन लोगों को 5% कैबिनेट 2 लाख मिलता था ये अब नहीं मिलेगा उन लोगों को। ऐसा करने से महीनावार सरकार का 2.3 मिलियन पैसा जो है एस आर डी 2.3 मिलियन पैसा जो है मुनाफा होगा ये बच जाएगा। ये कैबिनेट 2 लाख जो है 2010 से लोग लाए थे, 2010 से लोगों को मिलता था जो प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर काम करते थे और ये कैबिनेट 2 लाख जो है अब निकाल दिया गया है। अब कैबिनेट पर जितने लोग काम करते हैं उन लोगों को ये 5% कैबिनेट 2 लाख नहीं मिलेगा, ऐसे प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी एक प्रेसिडेंशियल बसलौत के जरिए तय किए हैं। यह आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।